मंत्र विराजमान मेरे साथी बाबुल सुप्रियो जी जी फॉरेस्ट संजय कुमार एसपी यादव जिनकी टीम ने यह चमत्कार सा अचीवमेंट कर दिखाया एनपीसीए के वो प्रमुख है दत्तवालिया जी जो हमारे आईएमडी के पीआईबी के मुखिया है सभी मान्यवर फ्रेंड्स और जो भी वन अधिकारी देख रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं ये उनका सक्सेस है 1973 में जब टाइगर रिजर्व की कंसेप्ट शुरू हुई तो 9 टाइगर रिजर्व थे बढ़ते बढ़ते अब 50 हो गए और खुशी की बात है कि 50 में से एक भी पुअर क्वालिटी नहीं है फेयर है गुड है बेस्ट है लेकिन एक भी पुअर क्वालिटी का नहीं है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है तो करोड़ डिफरेंट अंगूठे है एक छोटे से जगह में इतनी विविधता भरी है कि हर एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होता है मुझे भी सवाल था कि ये बाघ एक साइड से दिखते हैं तो इसमें अलग कैसे गिनते हैं वही बार बार आया है ऐसा नहीं होता तो नहीं होता ये धारियां जो है स्ट्राइप्स वो धारियों के कारण उसमें जो विशेषता भरी है उससे एक एक बार अलग अलग गिना जा सकता है और बड़ी प्रक्रिया के बाद 2967 जो कहे थे प्रधानमंत्री ने वो बाघों की सही पहचान हुई है उनके सबके चित्र है उसका विज्ञान है और हम भी देखते हैं कोई भी जंगल सफारी में जाए और इसको बाघ नहीं दिखा तो लगता है देखा गया और अगर बाघ दिखा तो लगता है बन गया तो ये भाव है लोगों में क्योंकि प्रकृति का एक अनमोल रत्न है बाघ और जब बाघ होता है तो जंगल अच्छा होना पड़ता है घास होना पड़ता है पानी होना पड़ता है और प्रे बेस जो है जिन प्राणियों को वो शिकार करके खाता है वो भी सब चेन होनी चाहिए तो एक तरह से हमारे प्रकृति का ठीक होने का ये एक सर्टिफिकेट है बाघों की संख्या और दुनिया के 70% बाघ भारत में है भारत को गर्व होना चाहिए 70% हमारे पास है और 70% बाघों के साथ आज हम दुनिया का नेतृत्व करते हैं देखो भारत की ये सॉफ्ट पावर्स है और सॉफ्ट पावर को हमें दुनिया के सामने बहुत तरीके से ले जाना भी चाहिए और इसलिए यह आज जो पोस्टर निकाला और जो रिपोर्ट है वो देखने लायक है सभी 50 जो टाइगर रिजर्व है उसकी कहानी है उसका सारा रिपोर्ट है अलग अलग बेहतरीन चित्र है देखकर भी आनंद होता है तो ये बाघ की कहानी है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे अनेक सॉफ्ट पावर्स हैं उसमें यह भी एक नई सॉफ्ट पावर है कि यहां 30,000 हाथी है 3,000 एक सिंह के गेंडे हैं राइनोस सिंगल और राइनोस और बाकी भी क्रोकोडाइल से लेकर लायन भी 500 से ज्यादा है तो ये सब
वैभव है। और मैं हमेशा बताता हूं कि भारत में बहुत कमी है जमीन की। दुनिया में जितनी जमीन है उसका केवल 2.5% भारत में है। दुनिया में जितनी बारिश होती है उसका केवल 4% भारत में होता है। और भारत में दुनिया की 16% लोगों की आबादी भी है और 16% प्राणियों की, कैटल्स की भी आबादी है, पशुओं की। और सबको जमीन लगता है, पानी लगता है, खाद्य लगता है। इतने सब रिस्ट्रेंट के बावजूद भी दुनिया की 8% बायोडाइवर्सिटी आज भारत में विद्यमान है। तो भारत ने ये करके दिखाया। कैसे किया? क्योंकि हमारे संस्कृति का हिस्सा है, हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है। दूसरे किसी देश में पेड़ की पूजा होते मैंने नहीं देखा। पेड़ की पूजा होती है, प्राणियों की पूजा होती है, पक्षियों के लिए अलग मदद के रास्ते ढूंढे जाते हैं। तो ये चराचर सृष्टि है, चरम ही और अचरम ही। तो ये चराचर सृष्टि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और इसलिए बाघों की रक्षा में भारत ने जो कदम उठाए, हम दुनिया के जो 13 देश है जिनके पास बाघ है उनको सभी प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। और हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, यहां का उनको सब दिखाएंगे, ट्रेनिंग भी पूरा देंगे और बाकी भी जो सहयोग लगेगा वहां जाकर भी वो भी हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रकृति की रक्षा हो। अभी आसाम में बाढ़ आई तो हमने हाईलैंड्स तैयार किए, जमीन के नए टुकड़े। जैसे एक आइलैंड होता है, एक द्वीप होता है, वैसे हमने लैंड के मासेस तैयार किए और उसका परिणाम हुआ कि ये जो राइनोस है वो वहां आकर रुके, बाकी प्राणी भी वहां आकर रुके जब बाढ़ में, ये तो बह जाने का ये था। और इसलिए ये भारत की दृष्टि है, हम प्राणी को केवल उपयोग की चीज करके नहीं देखते हैं, उसको जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य मानते हैं। मैं आपको बताऊं, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। समझो हाथी और मनुष्य में 500 लोग हर साल हाथी और मनुष्य संघर्ष में मरते हैं, लेकिन वही मनुष्य क्या कह रहा है, मैं गया था एकदम दूर जंगल के पास, किसानों से मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये हाथी आते हैं, फसल का बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ करो। तो किसी ने कहा मार डालो, तो किसानों ने कहा नहीं मारना, वो हमारा नुकसान करते हैं, लेकिन मारो मत, जंगल में ही पानी और खाद्यान्न अत्यधिक मात्रा में मिलेगा तो वो बाहर आएंगे ही नहीं। किसानों के इस सूझबूझ से हमारा एक कार्यक्रम तैयार हुआ, वाटर एंड फॉडर ऑक्यूमेंटेशन, कि जंगल में खाद्यान्न भी तैयार हो, घास भी तैयार हो और पानी भी भरपूर रहे। और इसके लिए हम नए टेक्निक भी यूज कर रहे हैं, लाइडर सर्वे के साथ हम जंगल का नक्शा पूरा डीपीआर तैयार करेंगे
और उस पर काम ऐसा जल संधारण का करेंगे कि जिससे पानी का संरक्षण होगा और उसके कारण ग्राउंड वाटर भी बढ़ेगा और उसके कारण घास भी बढ़ेगा। तो ये हम करने वाले हैं। तो पूरे प्रकृति की जब हम रक्षा करते हैं तो बाप का इतनी संख्या होती है, एक काम से नहीं होती। और मुझे बताइए दुनिया में कौन से देश होंगे कि जहां बाघ अगर बीमार हुआ, जख्मी हुआ, बुजुर्ग हुआ तो उसका ख्याल करने की व्यवस्था नहीं की है। अगर छोटे बच्चे अगर मां से बिछड़ गए या मां मर गई तो वो अनाथ हो गए, तो बिछड़े या अनाथ शावकों का भी ख्याल रखने का प्रोविजन हमने किया है। तो ये है कहानी भारत की। बापू का सक्सेस ऐसा ही नहीं आता। At the end, I will just summarize what I said, that India is proud of its tiger assets. This is our natural wealth. This is our nature. Today, India has 70% of world's tiger population. We are in a leading position and we are ready to work with all the 13 tiger countries, tiger range countries, in their training, in their capacity building, in their actual management of tiger reserves, in their management and nurturing the tigers more. India will take the leadership role. At the same